हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारे क्यूब्स की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ हमारे पास घन बनेगा तो घन वाला सूत्र लगाएंगे। इससे पहले के इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको चाहिए तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, हमारा जो मोटिव होता है वो एग्ज़ाम में सिर्फ 3 सेकंड अपने किसी क्वेश्चन पे देने का होता है, तो वो ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हमारे पास ऊपर a का क्यूब प्लस b का क्यूब बना हुआ है। मतलब कोई संख्या जब आप अपने आप से 3 बार गुणा हो जाती है तो वो उसका क्यूब कहलाता है। अब हमारे पास जो ऊपर है वो है a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे जो है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा ए प्लस बी बचता है। तो इसका मतलब ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, मतलब आप इसे सीधे से एक तरीके से समझ सकते हैं कि ऊपर 2 संख्याओं का घन है और नीचे वही संख्याओं में कुछ आपको संबंध दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये वाला सूत्र लगेगा। और इस सूत्र को लगाने के टाइम पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, 957 को 143 में जोड़ देना है तो 1100 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जब भी आप कहीं देखें तो सिर्फ आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, तो जैसे पहले क्वेश्चन में समझाया उसी तरीके से इसमें ट्रिक क्या लगेगी कि पहली संख्या जो है उसमें से दूसरी संख्या को माइनस कर दो। तो इसका मतलब अगर प्लस बीच में है, इन दोनों का ये साइन देखना है, अगर यहां प्लस है तो प्लस करना है और अगर माइनस है तो माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 और 7 14 0, 607 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली फॉर्म बने या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म बने, तो आपको ये देखना है जो क्यूब वाली संख्या है वो ऊपर है कि नीचे है। अगर नीचे है तो 1/607 होगा और अगर ऊपर क्यूब है तो 607 होगा। तो मतलब ऊपर है तो ऊपर प्लस कर दो, नीचे है तो नीचे वैल्यू को प्लस या माइनस कर दो। यहाँ माइनस का क्वेश्चन था तो माइनस किया, इससे पहले क्वेश्चन में प्लस था तो प्लस किया। तो देख सकते हैं आप 3 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है जिसमें 2 संख्याओं का जोड़ का वर्ग है और दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग है और उन दोनों को जोड़ा गया है। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई संख्या होती है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, बीच में अगर प्लस होता है तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 2 गुणा में पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ नीचे पहली संख्या का वर्ग जमा दूसरी संख्या का वर्ग दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये दोनों इससे कट जाएंगे तो आंसर 2 आएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है और नीचे उसी संख्या का वर्ग जोड़ में दिया हुआ है, तो ऐसी संख्याओं के आंसर हमेशा 2 आते हैं। इसका आंसर कभी भी देखेंगे आप तो 2 ही आएगा। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन कहीं देखें तो उस पर 2 आंसर पे टिक करें और आपका आंसर पूरा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। अब सेम क्वेश्चन जो पिछले वाले में किया, इसमें भी वही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन बीच में माइनस है, इस पूरे के बीच में माइनस है। और ऐसी संख्या को अगर ए बी से उसकी संख्या से, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा से अगर हम भाग कर देते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 4 आता है। तो इस संख्या में हमेशा आंसर 4 आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी ये होता है तो ये आता है 4 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और हम पहली और दूसरी संख्या की गुणा से इसको भाग कर रहे हैं तो इसको भाग करेंगे तो 4 बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 4 आएगा अगर इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिले आप लोगों को सिर्फ 4 पे टिक करना है, आगे चले जाना है। देखो कितना आसान है, 3 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
ये फर्स्ट वाला टाइप है, लेकिन इसमें जो क्यूब है वो नीचे की तरफ है, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो जो आंसर आएगा पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़कर आएगा, लेकिन बटे में। तो एक बटा में 649 प्लस 351 जोड़ेंगे तो एक बटे में 1000 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन ट्रिक्स को यूज करके एक सेकेंड में आंसर लाना है। अब यहाँ पहली संख्या का वर्ग है 217 का वर्ग है, क्योंकि 217 से गुणा है, और यहाँ 183 का वर्ग है। अब आप देखें, जब एक संख्या का वर्ग होके और दूसरी संख्या के वर्ग में से उसमें से माइनस होता है, तो मतलब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार संख्या को जोड़ लेते हैं 217 प्लस 183, और एक बार इन दोनों का अंतर ले लेते हैं और उन दोनों की गुणा कर देते हैं। तो 217 और 183 अगर हम देखें तो कितना बनेगा, 400 बन जाएगा, गुणा में यहाँ 17 दूनी 34 आपका इनका अंतर आएगा। तो इतने बड़े क्वेश्चन का स्क्वायर वगैरह आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार इनको जोड़ना है, एक बार माइनस करना है और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13 और 2 0 पीछे, तो 13 600 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं आरएस अग्रवाल का जो मैं सॉल्यूशन आप लोगों को करा रहा हूँ, उसमें मैंने 2 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया, 2 से 3 दिन, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अभी आपको डेली वीडियो मिलेगी, लगातार क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा ट्रिक्स के साथ, जिसमें कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो 3 सेकंड में करने के लिए मिलेगा। अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए और जहां भी ये क्वेश्चन आपको मिले विद इन 3 सेकंड्स सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, और इन ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आपके लिए मैथ्स बहुत 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 आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, बढ़िया सी ट्रिक के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।